नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इसमें दिख रहा है कि एक पुलिस वाला एक दिव्यांग व्यक्ति को पीट रहा है, उसे घसीट कर थाने ले जाता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, वह उसे जमीन पर धक्का दे देता है। इस दौरान दिव्यांग की पत्नी पुलिस वाले से अपने पति को छुड़ाने की गुहार लगाती रहती है, लेकिन पुलिस वाला नहीं सुनता है। इंडिया टुडे से जुड़े नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक मामला कन्नौज के इंतरगढ़ स्थित सौरिक चौराहा का है। सिपाही किरण पाल ड्यूटी पर तैनात था, उसको जानकारी मिली कि बीच चौराहे पर ही रिक्शा रोककर सुदीप नामक दिव्यांग सवारी बैठा रहा है। आरोप है कि इस बात को लेकर टोकने पर सुदीप और सिपाही के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद सिपाही ने दिव्यांग को पीट दिया। सिपाही दिव्यांग को घसीटता हुआ कोतवाली तक ले गया और फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान थाने में अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सिपाही ने दिव्यांग की लात घूसों से पिटाई भी की। इस मामले में पीड़ित का कहना है, मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था तो मैं उसे दवा दिलाने लाया था। एक ट्रक आ गया तो मैं अपना रिक्शा दूसरी साइड से निकाल रहा था। मैंने सिपाही को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मुझे पीट दिया। मैं दिव्यांग हूँ, मैंने हाथ नहीं चलाया, मैंने उन्हें पकड़ा, नहीं तो मैं गिर जाता, मैंने हाथ नहीं उठाया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। कन्नौज पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बारे में लिखा, थाना सौरिक पर दिव्यांग व्यक्ति के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक सौरिक की रिपोर्ट प्राप्त होते ही एसपी द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे मामले में एसपी अमरेंद्र प्रसाद का कहना है, जानकारी की गई है घटना के बारे में तो ये बताया गया है कि ये बीच चौराहे पर ई रिक्शा रोक करके और सवारी बैठा रहे थे। टोकने पर उसने आरक्षी को गाली दे दी, उसके बाद आरक्षी भड़क गया, उसने फिर उसको धक्का दिया। तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दिव्यांग व्यक्ति है और इसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे प्रकरणों में मैं हमेशा सख्त कार्रवाई करता रहा हूँ। अभी तत्काल मैंने आदेश दे दिया है कि उसको थाने लाइन के लिए रवाना करें और इस प्रकरण में जाँच मैंने क्षेत्राधिकारी को दे दी है। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का। ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।